नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज आपके लिए वाराणसी में डुप्लेक्स लेके आए हैं, काफी प्रीमियम लोकेशन पे लाए हैं और रिंग रोड के पास में लाए हैं। रिंग रोड में भी कहां, चांदमारी में। जी हाँ, गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट है वाराणसी में, सभी चीज रिंग रोड के साइड में है। चाहे वो रिंग रोड फेज वन, फेज टू, फेज थ्री में है, तो आपको यहाँ पर चांदमारी के पास डुप्लेक्स लेके आए हैं। यहाँ पर आप हमारी साइड देख सकते हैं, काफी खूबसूरत डुप्लेक्स है। 9 डुप्लेक्स यहाँ पर राइट साइड में है और 9 डुप्लेक्स यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, यानी कि टोटल 18-20 यहाँ पे घर बनने वाले हैं और आपके लिए डुप्लेक्स पूरा दिखाने वाले हैं डिटेल में। अब देखिए, यहाँ की इसके बेसिक बात कर लेते हैं डुप्लेक्स के बारे में। तो जो लैंड एरिया है, जी हाँ, 800 स्क्वायर फीट लैंड एरिया है, यानी कि 40x20 का यहाँ पर डुप्लेक्स का लैंड एरिया है। वहीं इसका जो बिल्टअप एरिया है, यानी कि कंस्ट्रक्शन एरिया है, 1250 स्क्वायर फीट है। एलिवेशन आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत एलिवेशन है। हर चीज यहाँ पर कंप्लीट आपको करके दी जा रही है। डेंटिंग, पेंटिंग, टाइल्स, मार्बल, स्टील का वर्क, खिड़की दरवाजे का जो वर्क है, सभी चीज कंप्लीट करके अब यहाँ पे इसको कवर करके गेट लगा के आपको दिया जाएगा। एक स्टैंडर्ड साइज का पोर्च दिया गया है, जहां पर वैगनार और वलिनो जैसी जो गाड़ी है आप इजिली खड़ी कर सकते हैं। अब अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक उड़न का दरवाजा दिया गया है, जो एक मजबूत उड़न का लकड़ी का आपका दरवाजा है और ब्रास की फिटिंग लगाई गई है। जैसे ही हम अंदर एंटर होंगे, हमारा डाइनिंग का स्पेस आ जाएगा और डाइनिंग के साथ साथ यहाँ पर आप मॉड्यूलर किचन देख सकते हैं। मॉड्यूलर किचन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रेनाइट का जो वर्क है वो कंप्लीट करके दिया गया है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कवर्स, ड्रावर, सब चीज बनाया गया है। वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आप चिमनी उमनी सब चीज लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो एसएस का वर्क है वो आपका जैगवार का वर्क किया गया है, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग है वो हैवेल्स और एंकर की यहाँ पर मिक्स लगाई गई है। नीचे भी आप देख सकते हैं, टाइल्स का जो वर्क है, मार्बल, यहाँ टाइल्स मार्बल का वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट है। एक्स्ट्रा बोर्ड भी यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे वो पावर सॉकेट हो, मेन सॉकेट हो, मेन हो, यानी कि एक रूम के अंदर 5-5, 6-6 जगह बोर्ड दिए गए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखिए, वाटरप्रूफ स्पेस भी दिया गया, यानी कि हर चीज का ध्यान रखा गया है। दोनों साइड प्रीमियम माइका लगाया गया है, वाटरप्रूफ प्लाई के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एसएस की यहाँ पर फिटिंग की गई है। एक स्टैंडर्ड साइज का ये आपको पहला रूम मिल जाएगा। अब आप बाहर जाएंगे तो बाहर देखेंगे, यहाँ पे आपका समरसेबल लगा हुआ है। समरसेबल के साथ एक अच्छा आपको स्पेस मिल जाएगा, जहां पर आपकी लाइटिंग की जो व्यवस्था है काफी अच्छी है। बालकनी टाइप का यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। अब हमने आपको पहला बेडरूम दिखा दिया, डाइनिंग स्पेस दिखा दिया, किचन दिखा दिया। अब आपको वॉशरूम दिखा देते हैं कि वॉशरूम क्या है। तो यहाँ पे बाहर एक सिंक लगा है, हाथ धोने के लिए जो बेसिन होता है वो लगा हुआ है। अंदर देख सकते हैं, अंदर भी बेसिन है, अंदर शावर, यानी कि स्टील का पूरा वर्क, वेस्टर्न टाइप में आपका यहाँ पर टॉयलेट हाफ सीट लगी हुई है। अब आ जाते हैं, आपको दूसरा बेडरूम दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा बेडरूम कह सकते हैं, इसको गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। एक स्टैंडर्ड साइज का रूम है, जहां पर वेंटिलेशन काफी अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी स्लाइडिंग विंडो यहाँ पर लगी हुई है। बाकी पूरा आपको यहाँ पर सीलिंग में लाइट वाइट लगा के दिया जा रहा है, और एसी का भी जो फिटिंग है सब कंप्लीट करके दिया जा रहा है। अब नीचे पोर्च भी देख सकते हैं। अब हम ऊपर चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के पास। ग्राउंड फ्लोर हमने आपको पूरा दिखा दिया। अब देखिए, ऊपर जा रहे हैं, जो ये रेलिंग लगी है, ये स्टील की रेलिंग है, 304 ग्रेड की प्रीमियम रेलिंग लगी हुई है। यहाँ पर आप सेक्शन देख सकते हैं, जिसमें ब्लू एंटीनो ग्लास लगा है, जहां से पूरी लाइटिंग आपकी अच्छी से आएगी। हम ऊपर आ गए, पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, पूरा स्टील से कवर किया गया है। अब हम आ गए अपने छत के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको देखिए, एक बाथरूम मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट बाथरूम, और दूसरा एक आपको रूम मिलेगा। तो बाथरूम और रूम आपको दिखा देते हैं। तो सर, बाथरूम और रूम दिखा दीजिए। बाथरूम तो जैसे नीचे है, उसी प्रकार से ऊपर बाथरूम भी दिया गया है। तो वेंटिलेशन का भी काफी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दरवाजा है, और दरवाजे के बाहर यहाँ देखेंगे आपको पूरा रिंग रोड यहाँ से दिखेगा। आपको गाड़ियां जा रही हैं, रिंग रोड सर्विस लेन के पास ही हमारी ये साइट है। बाहर भी यहाँ पर देख सकते हैं, वेशिन दिया गया है। और ये अब आप छत पे आ जाते हैं, छत पे देख सकते हैं, सारे यहाँ से लगे साइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइन से आपके 9 डुप्लेक्स बन रहे हैं राइट में, और 9 डुप्लेक्स बनेंगे लेफ्ट में। अब हम आपको उसके ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर वाली भी छत दिखाते हैं, यानी कि अब सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल आपको हमने सारे कमरे दिखा दिए। टोटल 3 रूम है, यानी कि 3 BHK है, 3 रूम है, 2 टॉयलेट है, और सभी चीज यहाँ पर कंप्लीट है। तो अब दोस्तों, हम लोग ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर का भी जो व्यू है काफी अच्छा है। एक मजबूत लोहे का जो गेट है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है, लोहे की रेलिंग, ऊपर लोहे की रेलिंग लगाई गई, और सामने से एलिवेशन भी आपको दिखा दिए थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा रिंग रोड आप देख सकते हैं, काफी बढ़िया लुक है। यहाँ से आपको पूरा सिटी वाला लुक मिलने वाला है, और आने वाले समय का जो पूरा डेवलपमेंट का मजा है वो आपको मिलने वाला है। अब आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर, या प्राइसिंग क्या है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। लैंड एरिया आपका 800 स्क्वायर फीट है, बिल्टअप एरिया 1250 स्क्वायर फीट है। जो रेट रखा गया है 5000 रुपये स्क्वायर फीट, यानी कि ये जो पूरा घर है आपको 62,50,000 का मिलने वाला है। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं साइट विजिट के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।